गुड मॉर्निंग गाइस, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ भामिनी रावत और मैं अभी आई हूँ नहा के, और अब कर सबसे पहले होंगे तैयार स्कूल के लिए, क्योंकि लेट नहीं हो रहा है। 16:17 हो चुके हैं, 8:16, तो पहले तैयार हो जाते हैं। और आज भी मैं यहाँ हीटर ला चुकी हूँ क्योंकि ठंडा है। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, बस चलते हैं। 32 यहीं पर हो गए, तो बस मिलते हैं फिर आपसे दिन में। बाय बाय गाइज़। आज नाश्ते में बनने वाला है मटर और मशरूम, और साथ ही साथ कोदी की रोटी। और ये नाश्ता जो है ये मम्मी नहीं, ये दादी बनाने वाली है। और यहाँ पर दादी की सब्जी तैयार हो ही चुकी थी लगभग, बस पकना बाकी था उसका। और यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे देखो आप, एक तरफ है मटर मशरूम की सब्जी और दूसरी तरफ है कोदी की रोटी। और यहाँ पर दादी अब सब्जी बना के आराम से धूप में बैठ के अपना नाश्ता कर रही हैं। और गाइस दिन में हमारे खाने में थी पालक की काफली और साथ ही साथ चावल, और यहाँ सब बैठ के हम खा रहे थे। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put it. तो गाइज मैं नीचे आ चुकी हूँ, और अभी मम्मी ने बनाया, मतलब मैं बहुत पहले नीचे आ चुकी थी, और अभी मम्मी ने बनाया आज मूली का अचार, जो आपको दिखाई थी ना, मूली की कटी हुई है, मूली काटी और गाजर काटी। तो गाइज ये मम्मी ने बना दिया है मूली और गाजर और मिर्ची का अचार। अब इसको खाने के बाद पता चलेगा वैसे तो ये कैसा हो रहा है, क्योंकि देखने से कुछ जज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे चटनी भी बना दी गई है, फ्रेश चटनी जो मैं इनके लिए रोज बनाती हूँ। इतनी मेहनत करते हैं तभी ये लोग पापा पापा करते हैं, तो रहन दो फिर। का बेटा करता है, मैं तो नहीं करती। हाँ, तू तो मम्मी भी नहीं करती। चलो खुद को करता है। मैं दोनों की तरफ हूँ। और गाइस मैं पी रही हूँ दूध बहुत दिनों बाद। और मम्मी ना यहाँ पे दोबारा वो ला गई हैं अमरूद, और ये तो गुड़ ला रखे हैं दोबारा। और तीन अमरूद लाए थे हम वेनसडे को, तीन अमरूद इतने बड़े बड़े हो, तीनों मैंने खा लिए, तीनों के तीनों। आज शाम को भी मैंने एक अमरूद खाया बड़ा वाला, और एक संतरा खाया, यहाँ पे एक ही संतरा होगा। और उससे पहले दो संतरे, मतलब दो अमरूद और थे, वो भी मैंने ही खा लिए। और गाइस ये देखिए, आज ना मैंने लोग अंगूठे से वो करते ना साइन, आज मैंने इधर वाले हाथ से साइन किया है। न्यू साइन करने का मेथड मैंने लाया है दुनिया में। क्या बात है। तो गाइस आज ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मतलब एक दिमाग में ख्याल भी आया और एक सवाल भी आया। तो मैंने अपने घर वालों से तो पूछा, तो उनके कोई कह रहा कि करवा लो, कोई कह रहा ना करो। मैंने सोचा आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे जरूर बताना जितने भी देख रहे होंगे, मतलब जितने भी लोग देख रहे होंगे तो जरूर बताना कि जो ये मेरे नाक में है, जो मेरे मतलब बचपन से मेरे साथ है, मेरे मुंह में है, ये मेरा बर्थ मार्क, ये वाला, ये मैं हटवा दूं कि ना हटवाऊं। मम्मी कह रही थी ये लक्की है, ऐसा कुछ नहीं होता लक्की वक्की। मेरा तो मानना है, तू बता, मेरा भाई बताएगा। मेरा तो मानना है फ्री में हो रहा तो करवा दो, ऐसा लग रहा है। एक तो बेकार गंदी दिखती है ना एक तो ये लड़की वैसे, पर अगर कहीं हटवाने के बाद और गंदी लगी तब क्या करेगी। हाँ ये भी है, चलो आप बताओ। इसमें लकी तो ये इतना अच्छा लगता है भाई, ये अलग दिखाता है आपको, यूनिक दिखाता है आपके नाक के नीचे मस्सा। कुछ लोग बोलते हैं किसी मक्खी ने पोटी कर रखी है, लोग जो ऐसा बोलते होंगे जो नाक के नीचे अच्छा लग रहा। नाक बड़ी भी नहीं है ना उसकी, बड़ी नहीं पर वो बहुत सुंदर लग रहा है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। नहीं हटा, जो आपको भगवान ने दे रखा उसको हटाओ मत भाई।
क्योंकि आपके बर्थ मार्क है ना, तो हटाना है। हाँ हाँ, कल बाद में हटा दियो। नहीं नहीं हटाना। तू क्या कहना चाहेगा? मैं कुछ नहीं, मैं यार फ्री में हो रहा, तो अभी कहाँ का हो। चल दादी से पूछते हैं। दादी तो झंडा मार दी। दादी मैं अपने नाक का मसाला हटा दूँ? अपने नाक का है नहीं है? नहीं, अरे हटा दूंगी ना। ना ना क्यों काटनी नहीं? अरे काटना नहीं, दवाई से हट जाएगा। दवाई होगी कोई? आज नहीं हटूंगा। अरे हट, वो हट तो जाएगा, कुछ नुकसान होता है। नुकसान क्या होगा? मैं दवाई बताऊँ? अरे एक दीदी का था, उनका हटा था तब यहाँ पे। क्या लखना? क्या मस्त नहीं? क्या लखना? तो क्या हुआ? लखनी हटनी तो गाइस मम्मी हो गई है, दादी हो गई है, सौमा हो गया। ना दादी कह रही तेरा लखन है, तेरा नहीं हटना। नहीं हटाना बेटा, नहीं हटाना। मैं चाहती हूँ आप लोग बताओ, आप लोग जरूर बताना। मेरा भाई कह रहा है अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हटाऊं तो पैसे भी भेजना। बड़ा हरामी हो बेटा। आप लोग बताना, वैसे एक बार मतलब सोच के ऐसे बता देना कि क्या है वो, तो फिर यही होगा कि हम कराते कि नहीं कराते, बट आप लोग जरूर बताना। तो गाइस पापा से पूछते हैं कि हमें ये मसा हटवाना चाहिए कि नहीं, तो बताओ पापा। कुछ भी, मेरा ये मानना है कि अगर मस्से से कोई मतलब नुकसान या कुछ कोई मतलब प्रॉब्लम है तब तो हटवा लेना चाहिए। अगर से कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई वो नहीं है। बस बच्चूदा लग रही मैं बोल रही नहीं, उसको हटाने का रीजन वही है ना कि अगर कोई चेहरा भर चेहरा चेहरा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर चेहरा भद्दा लग रहा है या कोई वैसी प्रॉब्लम है तब तो हटाने में फायदा है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसको हटाने का कोई नहीं है। भद्दी लग रही है आपको? लग रही है भद्दी? वो तो गौर से देखता हूँ, इतने गौर से तुम ही देखते हो। दूर से कुछ देखेगा तो लग रही है। वैसे वो बर्फ मार के मतलब जन्म का है ना, लोग लोग वाली चीजें तो हटाओ तो वो तो पता कैसे करेंगे लोग, पाओ नहीं रहा बस। यूनिक तो कुछ नहीं है, पर तिल वगैरह होते हैं ना, मोटा तिल हो जाता है तो उसको हटवाते हैं, जिसको नहीं हटवाते। लखन है, लखन राजी तो एकदम गोले चिट्ठे मेरे का है, पापा का भी है। हाँ वो तो गर्दन में है ना, मेरे तो थोड़े भी होगा। इस कड़कड़ाती ठंड में मेरी माता मुझे बोल रही है कि बर्तन धो। मम्मी माता के लिए नहीं है ना ठंड, तुम्हारे लिए बेटा। तुम भी एक दिन माँ बनोगी तो माँ की प्रॉब्लम समझा करो कि आज जो मेरे साथ मदद करेगी तो तेरी बेटी तेरे साथ मदद करेगी, समझ गए? ये प्रक्रिया चली आ रही है। मैंने तुमने भी माँ बना आगे जाके, और तू भी दो चल चल यहाँ अंडे खा रहा था। बाप कभी नहीं करता ना। अच्छा अंडे खा रहा है अंडे, और वहां पे ठंड में बर्तन दूंगी। इतनी ठंड हो रही है और बर्तन दे, काम करो बेबी। बना रही है यहाँ पे खाना, ये अंडे बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हो गाइस हमारे पनीर के पराठे। यस, तो आपको मिलता है खाने के टाइम पे, अभी मम्मी ये बनाएंगी फिर जो भी दूसरा बनाएंगी तब पढ़ाई। चलो बाय बाय। इस अभी की एक सिचुएशन है ना, तो मुझे एक कहावत याद आई, मतलब पता नहीं कहावत है कि क्या है, किसी को इतना भी इस्तेमाल मत करो, इतना भी यूज मत करो कि अगली बार यूज करने के टाइम पे वो चले ही ना। और अभी यहाँ पे हीटर खराब हो चुका है, चल ही नहीं रहा। देखो यहाँ से बटन ओ सावा हीटर चल गया, ओ चल गया गाइस। हे गाइस, अरे यार
अरे हाँ ये भगवान मैं कितनी पागल हूँ, मतलब क्या जब शाम को हम उठे ना तो मेरे ख्याल से उस समय लाइट नहीं आ रही थी, तो उस समय हमने हीटर चलाया, वो चला ही नहीं यहाँ पे क्योंकि इन्वर्टर का वो नहीं है, और उसके बाद दोबारा चलाया था हमने उस समय में भी, पता नहीं लाइट ठीक नहीं थी पर अब चल गया। फिर मुझे लग रहा था यार इतनी ठंड में अब हीटर नहीं चलेगा, बट चल रहा है। हमारी कविता रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो गाइस पनीर के पराठे बन चुके हैं और अब मैं खा रही हूँ, मैं और दादी खा रहे हैं पनीर के पराठे, और क्योंकि मम्मी और तो अंडे खाएंगे तो इसलिए हम लोग पनीर के पराठे खा रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है नेगी फैमिली का व्लॉग, तो हम आपको पनीर के पराठे खाने के बाद मिलते हैं। गाइस खाना वाना सब कुछ हो चुका है और अब बारी है इस व्लॉग को खत्म करने की। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक आप देखते रहिएगा मेरे चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। कितनी बार बोल दिया मैंने भूल गई कि क्या बोलना था आगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे।